हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर ओन व्हील। मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो जी, आज वीडियो थोड़ी सी अलग है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपका स्पीति ट्रिप के ऊपर, चाहे आप विंटर कर रहे हो, चाहे समर कर रहे हो या मानसून कर रहे हो, तो आपका कितना खर्चा आने वाला है आपकी जिमनी के ऊपर, और आप क्या कुछ इटिनरी फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको दोबारा कभी ये ना सोचना पड़े कि मेरा ये मिस आउट हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ मेरी इटिनरी क्या थी और आप क्या फॉलो कर सकते हैं। तो जी, पेट्रोल का लेते हैं। पहला जो टैंक फुल होता है हमारा, वो होता है आपके होम टाउन में ही। आप इधर हम लोग वापस आज फुल करा रहे हैं, आपको विंटर स्पीति के ऊपर दिखाने वाले हैं माइलेज वगैरह क्या आने वाली है। फुल करा के चलिए ताकि जब आप वापस आओगे तो वहीं भी आप फुल करा पाओ और आपको एस्टीमेट पता लगे कि आपका फ्यूल कितना लगा है। तो जी, यहाँ पे हमने डलवाया पेट्रोल, 3163 रुपये का आया है पूरा, और थोड़ी सी माइलेज ख़राब आई है आज, थोड़ी रफ भी चल रही है गाड़ी, तो 8.25 रुपये की माइलेज आ रही है। लेकिन ओवरऑल ट्रिप पे बताऊंगा आपको कितनी माइलेज आई है अभी। तो जी, अभी यहाँ पे रुके हुए थे नारकंडा से जस्ट पहले, छोटा सा पेट्रोल ब्रेक, और अभी तो भाई नारकंडा पहुँचने वाले हैं। जो बर्फ गिर चुकी थी सारी पिघल चुकी है, वरना यहाँ पे तो फुल स्नो होता था, और कुछ दिन पहले तो पूरा स्नो था। उसके बाद जो मैं अपना रिकमेंड करता हूँ, पहला स्टॉप आप रामपुर के आसपास लीजिए। मैंने लिया था झांझरी विलेज के अंदर, जहाँ पे 800 रुपये में मेरे को रूम मिल गया था। बाकी आप पर हेड 1000 रुपये लेके चलना डेली का, इसमें आपको अप्रोक्स मिलने वाला है पूरा ऊपर नीचे आपका खर्चा। हम लोगों का हो गया है ब्रेकफास्ट, ये था हमारा बासमती ढाबा एंड स्वीट शॉप्स। 900 रुपये का रूम था, थोड़ा जिमनी देख के थोड़ा महंगा दिया, वैसे 800-700 में दे देते अंकल। ये बिल्कुल वहाँ पे ना वो चेक पोस्ट, ये वो चेक पोस्ट है, वहाँ से ये 1 किलोमीटर पहले वापस आए थे हम लोग। तो ये दो होटल है, वो खाने का है, यहाँ पे रहने का भी है, और पीछे फिर आपको बहुत जाना पड़ेगा। तो आओ, ठीक है अंकल, ओके हैं, रुक सकते हो। तो जी भाई लोग, हम पहुंच गए जी गेटवे ऑफ किन्नौर। और तो जी ये देखो पूरा, मतलब अभी ये लैंडस्लाइड हुई है ना यहाँ पे, तो अभी भी गिर ही रहे हैं पत्थर। तो अब देखते हैं कितने दिन ये गेटवे ऑफ किन्नौर बचेगा। तो उसके बाद आप अगला स्टॉप लेंगे, जो ले सकते हैं आप या तो रेकोंग पियो जा सकते हैं, वरना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप जाइए चितकुल, जिसे आपका एक लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, आप चितकुल को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप वापस आके रेकोंग पियो रुक सकते हैं, नहीं तो सांगला में भी रुक सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे रक्चम पड़ता है, रक्चम भी जा सकते हैं, वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल वैली है, और बीच में हल्का सा डाइवर्जन है इस रूट के ऊपर, वरना आपको फिर कभी स्पेशल जाना पड़ेगा चितकुल के लिए। और रेकोंग पियो और कल्पा में आपको सुसाइड पॉइंट देखने को मिलता है, और वहां से आपको आपको दर्शन देना चाहते हैं और आप लकी हैं तो आपको किन्नौर कैलाश के भी दर्शन हो सकते हैं कल्पा के ऊपर। ओए होए, ओ बारिश आ गई, ओए स्नो फॉल हो रही है, इधर पैर रख के। तो जी फिर हम कल्पा से आगे बढ़ेंगे, और कल्पा में वैसे लास्ट हमारा पेट्रोल पंप होता था नीचे ही पावरी में, लेकिन जब अभया पू में भी खुल गया पेट्रोल पंप, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पू से फुल कराइएगा जी। फ्री का वॉश थोड़ा सा आगे से रह गया यार, ठीक है, बाकी तो होगी मिट्टी, मिट्टी सी बहुत ज़्यादा हो रखी थी पीछे की साइड में ना, तो एटलीस्ट वो उतर गई है, तो अब थोड़ी सी फिर भी ठीक लग रही है गाड़ी। तो चलिए चलते हैं। तो जी इधर करा रहे हैं जी हम लोग फुल दोबारा से, अभी देखते 1600-1700 रुपये के आसपास आना चाहिए, तो पता लगेगी अभी आगे माइलेज आप लोगों को फिर बताएंगे। यहाँ पे आया जी हमारा 1829 रुपये का। तो और बीच में आप जो है अब नाको एक्सप्लोर करेंगे, नाको के अंदर आपको मोनेस्ट्री देखने को मिलती है, और आपको मिलता है नाको की लेक, वो भी बहुत फेमस है विंटर में, क्योंकि वो फ्रोजन लेक होती है, और वहाँ पे आप आराम से उसके ऊपर चल पाते हैं और अच्छा एंजॉय कर पाते हैं। अगर समर में जाएंगे तो फ्रोजन नहीं मिलती है, लेकिन बहुत अच्छा व्यू आता है नाको के अंदर से, क्योंकि जो नाको है आपका एक तरह का पास है, जो कि एक पास के ऊपर बसा हुआ विलेज है, तो बहुत लोगों को वहाँ पे सांस की प्रॉब्लम भी होती है। अगर आपको लगता है कि आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है अप्रोक्स 12000 फीट के ऊपर, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ताबो में स्टे कर लीजिए, या नाको से बीच में बहुत सारे विलेज आते हैं वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, वरना आपको नाको में भी रहने के ऑप्शंस मिल जाते। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं जी मलिंग नाला, और भाई साहब ये देखो पूरा जमा होता है ये वाला नाला ना, और पानी ठंड देख लो आप कितनी हो गई यहाँ पे, बिल्कुल पानी जमा दिया भाई, तो ये बड़ा डेंजरस होता है यार अब। लेकिन ये है ना पानी जम चुका है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप ये देखो कितना खतरनाक है ना भाई। भाई होटल में देखा जी हम लोग पहुँच गए जी डबलिंग की चेक पोस्ट पे, तो यहाँ पे करानी है एंट्री, तो फटाफट एंट्री कराते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे आगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे आती है चेक पोस्ट, और उसके बाद आता है हमारा ड्यू मोनेस्ट्री।
उस चेक पोस्ट से क्रॉस करते ही आपको 2-3 किलोमीटर के बाद ग्यू मोनेस्ट्री का रोड आता है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप ग्यू मोनेस्ट्री बिल्कुल जाइए, वहां पे एक भिक्षुक है जो 500 साल पुरानी मम्मी है बेसिकली, तो वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते उनकी डेथ हो गई और वो वहां पे प्रिजर्व हो गए थे, तो उन्हीं के ऊपर वो मोनेस्ट्री बनी हुई है। वो चाइना बॉर्डर के पास है तो आपको नेटवर्क वगैरह नहीं मिलता है। अगर आप कैंपिंग करने के शौकीन है वहां पे भी कैंपिंग कर सकते हैं आप, और वरना आप आगे बढ़ेंगे ताबो की तरफ। तो ताबो जाते हुए आपको कुछ रास्ते में ज़्यादा कुछ देखने का मिलता नहीं है, आर्मी एरिया ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट ताबो में ही आगे स्टे मिलते हैं जो अच्छे स्टेज होते हैं, और ताबो में ही आपको फिर कुछ देखने का मिलेगा। वो है ताबो मोनेस्ट्री जो कि वन ऑफ दी ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, काफ़ी पुरानी है। और ताबो की जो है आपको केव्स भी बहुत फेमस है जहाँ पे मॉन्क्स वो है तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे। वो कुछ कुछ केव्स है जो बहुत बेकार हालत में है, और कुछ कुछ केव्स है जो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब प्रिजर्व करी हुई हैं उन्होंने, वहाँ पे पूजा वगैरह भी करते हैं। तो आप बिल्कुल जाना ना भूलें, वहाँ पे 250-300 मीटर की ही एक खड़ी चढ़ाई है और उसके बाद आप बड़े आराम से 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे। तो जी अगले दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे धनखड़ मोनेस्ट्री की तरह। धनखड़ मोनेस्ट्री भी 1200 साल पुरानी मोनेस्ट्री है जो एक पहाड़ की चोटी पे बसी हुई है, और उसको स्पीति वैली का किंगडम भी बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे राजा थे जो स्पीति वैली के, उनका महल था। और वहाँ पे आप धनखड़ मोनेस्ट्री का नज़ारा लीजिए, पूरी वैली का व्यू आता है अच्छे से वहाँ पे। और उसके बाद आप नीचे उतरेंगे धनखड़ मोनेस्ट्री से तो आपको मिलेगा लिंगटी वाटरफॉल। लिंगटी वाटरफॉल वैसे यूजली समर्स में, मेरे को नहीं पता इतना कि फेमस है कि नहीं है, लेकिन आप लोग वहाँ पे फ्रोजन वाटरफॉल भी देख सकते हैं विंटर्स के अंदर। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे काजा की तरफ, और काजा की तरफ बढ़ते हुए आपको रास्ते में आता है पिन वैली का गेटवे। अगर आप चाहते हैं एक अलग सी वैली देखना तो 30-40 किलोमीटर का आपका बहुत ज़्यादा ऑफ रोड ट्रैक है एक, जो आपको पिन वैली मूद विलेज लेके जाता है, और आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना है तो आप डायरेक्ट जाके काजा में भी स्टे कर सकते हैं। काजा स्पीति वैली का मेन शहर है जहाँ पे आपको सब फैसिलिटीज मिलती हैं, और आप आराम कीजिए काजा वैली में। आपको वहाँ पे भी 1000 से 1500 रुपये के हिसाब से आपको मिल जाता है सब कुछ रहने का, और प्लस आपका अपना नेक्स्ट पेट्रोल फिल होता है, हमारा काजा में ही होता है। जी मैं पहुंच गया हूं पेट्रोल पंप, और बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखा है भाई रोड, यहाँ पे बिल्कुल गंदे वाला स्लिपरी है और ब्लैक आइस जमी हुई है। तो अभी पेट्रोल फिल करा लेता हूं भाई फुल, अभी कल का पता नहीं सिचुएशन क्या होगी क्या नहीं होगी। तो और अभी फुल करा रहे हैं, देखते हैं कितना आएगा। भैया अगर ऐसे स्नो गिरती रही तो पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो जाएगी। तो अभी मतलब कितने दिन चल जाएगा आप लोगों का अगर ये स्नोफॉल चलती? अप्रैल तक का स्टॉक है आपके पास? इतना स्टॉक रखते हैं आप लोग? उसके बाद मैं तो नहीं जा पाया था, लेकिन आप जा सकते हैं अगले दिन में, एक ही दिन में आपका ये सब कुछ कवर हो सकता है। अगर चाहते हैं आप धीरे धीरे कवर करना तो आप धीरे धीरे भी कवर कर सकते हैं। तो आप जाइए की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज, अगर आपको आगे लोसर की तरफ नहीं जाना है तो। अगर आपको लोसर की तरफ जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले जाइए लांगजा, उसके बाद जाइए आप कोमिक, और वापस आते हुए आप जाइए हिक्किम। हिक्किम पोस्ट ऑफिस है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे आप डाक डालिए। मेरी तो आज तक नहीं आई है, लेकिन फ्यूचर में फिर से मैं ट्राई करूंगा और देखता हूँ दोबारा आएगी नहीं आएगी। और वापस आप आना है काजा, काजा में आपको स्टॉप लेना है, स्टॉप भी ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है लोसर जाने का तो आप अपना वापस से पेट्रोल फिल कराइए और आप निकल जाएंगे आगे लोसर की तरफ। रास्ते में आपको की मोनेस्ट्री पड़ता है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है की मोनेस्ट्री, आप उसको देखिए। उसके बाद आप जाएंगे वन ऑफ दी वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट ब्रिज के ऊपर, और वो है चीचम ब्रिज। तो वहाँ से आपको एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और प्लस बहुत खतरनाक ब्रिज है जहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा गहरी खाई है और नीचे नदी है, उसका व्यू देखने को मिलता है। और उसके बाद आप बढ़ेंगे लोसर की तरफ, और रास्ते में आपको कीबर में वैसे स्नो लैपर दिखता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी किस्मत होनी चाहिए और प्लस आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। और आप आगे लोसर की तरफ बढ़ जाते हैं, बट जो ये लोसर वाला रूट है और की मोनेस्ट्री वाला रूट है, ये ज़्यादा विंटर में पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा गिरती है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे जो है क्लीनिंग वो जितनी ज़्यादा नहीं होती है, तो जिसकी वजह से कभी कभी बंद भी होता है। और मैं की मोनेस्ट्री तक ही जा पाया था, लेकिन मैंने समर में किया हुआ है। तो आप लोसर जाइए, लोसर में अपना स्टे लीजिए। लोसर में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, आज से 2-3 साल पहले तक तो था, अभी का मैं समर्स में ही जाऊँगा तो पता लगेगा। और लोसर में स्टे लेके आप लोग आगे बढ़ते हैं चंद्रताल के लिए। चंद्रताल 14,000 फीट के ऊपर एक मून लेक बोला जाता है जिसको, वो है।
और उसका आप अच्छा व्यू लीजिए। उसका थोड़ा सा ट्रैक रहता है 1 किलोमीटर का, आप आराम से जा सकते हैं। और चंद्रताल पे आपको, अगर आप समर में जाएंगे तो आपको स्टेज में मिल जाते हैं कैंप्स, लेकिन वो कैंप होते थोड़े महंगे होते हैं, 2.5 से 3 हज़ार रुपये पर हेड लेके चलना। वरना अगर आपको वहाँ पे अपना पर्सनल कैंप करना है तो किसी को 200-300 रुपये दे के आप वहाँ पे कैंप भी कर सकते हैं। ये वाला रूट है आप केवल आप समर में ही कर पाएंगे, जब आपका कुंजुम पास और गोरमफू वाला रोड खुला रहता है, जो आपका आने वाले 1 महीने के बाद खुल जाएगा। और उसके बाद आप बाटल से आप पहुँचते हैं बिल्कुल एक प्योर ऑफ रोड ट्रैक लेके मनाली अटल टनल के ऊपर। तो ये वाला रूट है जो आप केवल गर्मियों में ही कर पाते हैं, सर्दियों में आपको काजा से वापस शिमला की तरफ ही आना पड़ता है। तो वही सेम पेट्रोल आपका लगेगा, आते हुए मेरा काजा में फूल कराया था मैंने, आते हुए मैंने काजा से डायरेक्ट कराया था रामपुर के आसपास, और कामपुर के बाद मैंने कहीं डायरेक्ट। फिर इस ट्रिप का आखिरी पेट्रोल फिल हो रहा है, इससे पहले एक भूल गया था कराना। स्क्रीन पे मैं आपको सारा टोटल बता दूंगा मेरा कितना क्या चूज था। जो मेरे स्टेज थे वो पहले झांझरी में था, उसके बाद हमने ताबो में लिया था, उसके बाद हमने काजा में लिया था, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर पे आ गए थे। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो डू चेकआउट, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्विक सीरीज थी ये, 4 ही दिन थे, लेकिन बहुत मज़ा आया था। आगे मैं बड़े प्यार से भी करने वाला हूँ इसको, जिसमें आपको सारी प्लेसेस पे मैं कैंपिंग करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आई होप सो आपको इटनरी समझ में आ गई होगी। मैंने इसमें कोशिश करा आप लोगों को बताने की कि भी आप क्या क्या देख सकते हैं और इसमें कहाँ कहाँ पे आपके पेट्रोल पंप से नेटवर्क लगभग आपका जियो का हर जगह अवेलेबल रहता है, कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। एयरटेल का मेरे को नहीं पता है, मेरे पास एयरटेल नहीं था तो मैं नहीं बता सकता इसका। बाकी रहने की आपको हर जगह लगभग अवेलेबिलिटी है समर में, विंटर में आपको थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। बाकी आजकल टूरिस्ट ज़्यादा जाने लग गए हैं तो होम स्टेज भी आपके लगभग ओपन मिलते ही हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।